आज मैं आप लोगों को जो बताऊंगा वो है ओडी से, ओडी और थिकनेस से विड्थ मालूम करने का, और विड्थ और थिकनेस से ओडी मालूम करने का। खैर कि इससे पहले मैं एक वीडियो वर्बली दिया हूँ, लेकिन मेरे कई मित्रों ने बोला कि पांडे जी एक बार रिटेन में लिख के दें तो हमारे टेक्निकल बंदों को जल्द ईजी होगा, आराम से समझने में आएगी। तो आज मैं फिर उसको रिपीट किया हूँ, भाई रिटेन में इनको लिख के दूँ। तो मेरे मित्रों, अब जैसे ओडी निकालने का फार्मूला है, तो अब आप इसको ध्यान से देखें। एक बार वर्बली बता दे रहा हूँ, फिर मैं इसको रिटेन में दे रहा हूँ। ओडी इंटू 3.142 माइनस थिकनेस इज इक्वल टू वृत्त। अब एक देखिए ध्यान से, मैं लिखते जा रहा हूँ। विड्थ निकालने का फार्मूला है ओडी इंटू 3.142 माइनस थिकनेस, ये बराबर हो गया विड्थ। एग्जाम्पल ओडी है 33.7 mm, थिकनेस है 2.6 mm। ठीक, अब देखो एग्जाम्पल है 33.7 mm इंटू 3.142, ये बराबर हो गया 105.88 माइनस 2.6 mm, ये बराबर हो गया 103.3 mm। ठीक है, ये हमारा हो गया विड्थ। अब दूसरा फार्मूला है ओडी निकालने का। ओडी बराबर क्या फार्मूला बोल रहा है कि विड्थ प्लस थिकनेस डिवाइड बाई 3.142, ये बराबर हो जाएगा ओडी। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे 103.3 mm ये हमारा विड्थ है, प्लस थिकनेस हो गया 2.6 mm। भाई दो चीज तो कहीं भी मिलेगी, विड्थ मिलेगा थिकनेस मिलेगा, ये तो हर जगह मिलेगी। तो या ओडी मिलेगा या थिकनेस मिलेगा, तो उससे हम निकालते जाएंगे। तो 103.3 mm प्लस 2.6 mm, ये हो गया 105.9 mm। ठीक है, डिवाइडेड 3.142 mm, ये बराबर हो गया 33.7 mm ओडी हुआ। ठीक है, तो इधर हमारा क्या निकल गया, विड्थ निकल गया, इधर ओडी निकल गया। अब तो कोई डाउट नहीं। तो मेरे मित्रों, अब तो मैं ये आपको रिटेन में भी दे दिया कि विड्थ से ओडी से विड्थ निकालने का फार्मूला और विड्थ से ओडी निकालने का फार्मूला, क्योंकि ये आमतौर पे मतलब ये जनरली इतनी नॉलेज तो होना चाहिए। ठीक है मेरे मित्रों, अब मैं आपको अगली वीडियो में निकालूंगा कि लाइट जिसे हम 1 इंची में हमारा स्टैंडर्ड बनता है 2.6 का, लेकिन अगर 1.2 का माल बनाना है तो उसकी ओडी कैसे निकालेंगे, उसका कैसे पूरी डिटेल्स मैं अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एंड लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें।